गोजरी जबान में अपडेट सुनिए। इस वे मशरक वस्ता में फलस्तीन और जनूबी एशिया में कश्मीर दो ऐसा तनाजा है जिन्हें हल करने में अगर आलमी दुनिया ने दिलचस्पी ना ली तो ये तुस्ता व पामड़ एक अलाव बन के पूरी दुनिया ना अपना कलावा में ले लेगा। कश्मीर और फलस्तीन इस वे खुली जैल को मंजर पेश कर रहे हैं। सेहोनी याहू और हिंदुत्वा मोदी उनकी नस्ल कुशी पर ले आया है। गुज़श्ता दो हफ्ता में सेहोनी इसराइल ने गजा का महकूम मजलूम मुसलमाना पर जिड़ी क़यामत सुगरा बर्पा की है उस पर हर इंसानी दिल रखने वालों बंदो खून का अथरू रोन पर मजबूर हो गया है। लेकिन इसराइल का खूनी पंजा ना कपण वास्ते दुनिया में काय मजबूत और तवाना आवाज नहीं उठ रही। इसराइली कजाक फौज हर 15 मिनट में एक मासूम और मजलूम फलस्तीनी मुसलमान को लहू डोल रही है। फलस्तीन में इसराइल और कश्मीर में हिंदुत्वा मोदी जिस दरिंदगी बर्बरियत और फिरौनियत को मुजाहिर कर रहे हैं उसकी मिसाल तारीख इंसानी में मिलनी मुश्किल है। मुसलमानों के खिलाफ तासुब और नफरत वो तागो है जिसने इन दोनों दहशतगर्द कोता ना जोड़े हुए है। भारत और इसराइल के बीचकार बद तो वो संग सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की नफरत और तासुब है। कश्मीर और फलस्तीन की जमीन पर कब्जो हिंदुस्तान और इसराइल को मुश्तरका ख्वाब है। हिंदुत्वा और सेहूनियत के बीचकार नजरियाती रिश्तों हिंद इसराइल तालुकात में मुंडलो किरदार रखे है। भारत में मोदी का इकतदार में आन तो बाद भारत इसराइल तालुकात में मुचबद हुए है। गजा पर इसराइली जहरियत पर भारतीय हुकूमत और सोशल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक पेज भरे। पाकिस्तान का आदम इस्तेकाम में भारत और इसराइल को सांझो किरदार है। भारत इसराइल को मुचडाडो संग अपना अपना इलाका के अंदर अपना तोसी पसंदाना अजाइम की तकमील है। ज़रूरत इस आमर की है कि आलमी बरदरी ख्वाब गफलत को जाग कर दम तोड़ती हुई इंसानियत न बचाण में अपना अमली किरदार अदा करें।